हेलो एवरीवन, आई एम रिचा मलिक फ्रॉम गाज़ियाबाद दिल्ली। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। अगर नहीं है तो आज का वीडियो देखकर डेफिनेटली होने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं सिमोर से एंड वेलकम टू द मीमी फैम। क्रिसमस ट्री बीन वंडरिंग जस्ट व्हाट यू मीन टू मी। हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है आपके? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो आज का व्लॉग देखिए, डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं। आज है डे टू। आज एक्चुअली डे फिनिश ही होने वाला है। समय हो चुका है 2:37। आज इतनी लेट में व्लॉग करना शुरू इसलिए किया है क्योंकि व्लॉग मैस है और हमें एवरी डे व्लॉग करना है। और आज मेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी सारा दिन, और इसलिए मैंने व्लॉग नहीं किया क्योंकि बाहर जाना है। इतना बड़ा हैसल हो गया है कोरोना के समय में कि व्लॉग करना, मुझे लगा कि यार कैसे कैसे अपनी अपॉइंटमेंट कंप्लीट करके घर आ जाऊँ, फिर बातचीत करेंगे। सो यार वो फिनिश हो गया है, पर आने वाले बहुत सारे दिनों में मेरी फिर से बहुत सारी अपॉइंटमेंट है। ये अपॉइंटमेंट क्यों हो रही है, इनके बारे में डिटेल में हम लोग बाद में बात करेंगे। सो अब मुझे लग रही है भूख और प्यास। प्यास लग रही है चाय की, और चाय पीने वाली हूँ मैं। और कुछ लेफ्ट ओवर सब्जी पड़ी है, उसके साथ मैं नान ब्रेड खाने वाली हूँ, छोटी सी, जो कॉस्को से लेके आए थे मेरे हस्बैंड, एंड उसको खाऊंगी। एक्चुअली मैं इस तरफ इसलिए ज़्यादा देख रही हूँ क्योंकि एक प्लांट मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। उसकी शक्ल इतनी अजीब क्यों होगी मुझे पता नहीं, मैं देख लेती हूँ पहले, नहीं तो मेरा ध्यान उसी की तरफ रहेगा। अलविदा, दिस इज़ पाइलिया। ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रहा है, इसके पत्ते बहुत ज़्यादा गिर भी गए हैं। आई डोंट नो ऐसे क्यों हुआ है, और इसकी यू नो डॉक्टरी जांच करनी पड़ेगी मुझे। सो इसे यहाँ पे रख लेते हैं, बाद में करेंगे इसकी। अजीब सा लग रहा है ये। आज मेरे दिन का मुझे पता था कि मेरा सारा दिन आज डॉक्टर के यहाँ पे स्पेंड होने वाला है, तो मैंने प्लान बनाया था कि आज जब मैं डॉक्टर से वापस आऊँगी तो कोशिश करूँगी कि मेरे घर को ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन करूँ। मैंने प्लान बनाया है लाइक कि मेरे घर को मैं क्लीन करने वाली हूँ वंस अ मंथ, डीप क्लीन। जिस दिन मैं क्लीन करूँगी उस दिन मैं डिनर कुक नहीं करूँगी, क्योंकि या तो मेरी एनर्जी उधर लगा सकती हूँ यहाँ पे, क्योंकि जब मैं डीप क्लीन करती हूँ तो 4-5 घंटे लग जाते हैं। और यार एक और पौधे अजीब लग रहा है। ओके, वो अजीब नहीं लग रहा, वो मैंने कटिंग की। सो जिस दिन मैं करती हूँ मेरे घर को डीप क्लीन उस दिन मेरे लग जाते हैं 4-5 घंटे। कल मैंने कोशिश की थी कि बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लूँ, आज भी मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ और क्लीन कर रही हूँ मेरे घर को। आज मैं बहुत ही रिलैक्स सा काम करूंगी, व्लॉग तो मैं कर ही रही हूँ। सो यार बहुत ही कामली काम करेंगे क्योंकि ये जो मेरा मंथ है बहुत बिजी जाएगा। एक तो मेरी डॉक्टर्स के साथ बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स हैं, कम से कम 10 अपॉइंटमेंट्स हैं। और दूसरी चीज़ है कि एवरीडे व्लॉग अपलोड करना है, एडिट करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा, तो वो भी बहुत ज़्यादा काम है। और जब घर क्लीन होता है तो मैं बहुत प्रोडक्टिव फील करती हूँ। अगर आप मुझे जानते हैं तो आपको ये वर्ड, ये सेंटेंस ऑलरेडी पता होगा। आज हम कुक करने वाले हैं बैंगन भरता, जिसको ऑलरेडी मैंने रोस्ट करके रखा है और कुक करना है बस। एंड बाहर आज बारिश हो रही है, आज बहुत 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 ज़्यादा बारिश है, और कल मोस्ट प्रॉब्ली स्नो पड़ने वाली है। और ये आउटडोर मैंने बहुत डीपली क्लीन किया है, ये जो हमारे कॉर्नर्स पे पत्थर पड़े हैं, स्टोन्स, उस पर पत्ते बहुत ज़्यादा भर जाते हैं, और मेरी कोशिश होती है कि एक एक पत्ते को पिक करके क्लीन करूँ। तो कल भी मैंने इतना ज़्यादा क्लीन किया उसको कि मैंने बहुत बड़ा गार्बेज बिन भर दिया पत्तों का, मैं आपको दिखाती हूँ। सो बाहर बहुत अच्छा नाइस एंड क्लीन है, क्योंकि उसके बाद बाहर जाके क्लीन नहीं कर पाएंगे क्योंकि बाहर ज़्यादा ठंड हो जाएगी। सो वो कर दिया है मैंने, मेरे एसी के यूनिट को ढक दिया है, जो भी बाहर की चीज़ें करनी है वो मैंने ऑलरेडी करी। सो बातों को कम करते हैं, चाय पीते हैं। चाय पीने के लिए बहुत ज़्यादा मन है मेरा। अभी मैं बाहर से आई हूँ तो ठंडा मौसम है, और बाहर से आके चाय पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई गोना आस्क यू सम क्वेश्चन, यू हैव टू आंसर लाइक यू आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन एंड दिस इज योर इंटरव्यू। ओके, हेलो सर, हाउ यू फीलिंग? ए दैट्स अ माइक। हेलो सर, हाउ आर यू? I'm good, so good. Okay, today you went outside with your mommy for doctor's appointment. What do you think? It's a good idea or bad idea? Good idea, because she is sick. She is sick and she's bones are broken. Bones are broken. Very good. How was the weather outside, sir? Rainy. Not too good. Not too good? Okay, sir. And we have a very important question for you, sir. There is a dangerous things in the society. How to fix the dangerous things, sir? You have to open a mosque.
wear mask and how to protect from a dangerous planet people. Don't be close, stay away. Sir, don't go, sir! Sir, I am someone who is a cameraman, right, sir? And my cough is coming, sir. Stay away! It starts with a look, all that it took. I feel like I had too much champagne. तो मैंने खरीदे हैं कुछ ब्लैक फ्राइडे पे सामान, उनमें से एक चीज आ चुकी है. एक्चुअली कई सारी चीजें आ चुकी हैं, मैं आपको दिखाती हूँ. सबसे पहले इसको खोल लेते हैं. एक्चुअली मैंने शूज लिए हैं. ओके, सो वैसे तो मैंने बहुत सारी चीजें ली हैं, धीरे धीरे आएंगी वो. ये एक्चुअली मैंने एक शूज लिए हैं, वो आ गए हैं. ओपन दैम. बिल है, आई होप मुझे चेंज नहीं करना पड़े क्योंकि बहुत हैसल है. सो या बहुत ही ज़्यादा सिंपल से शूज़ लिए हैं मैंने, ब्लैक. और मेरे पास एक्चुअली एक और है पर वो यहाँ से काफ़ी लूज से हो रहे हैं और मुझे चाहिए कि ये जो एरिया है टाइट हो, ताकि यू नो आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, पर जैसे ये यहाँ से टाइट है वो मुझे चाहिए था. और अराउंड इतनी हील चाहिए है, लाइक जितनी कंफर्टेबल. और ये काफ़ी चंकी भी है तो चलेगा. और बहुत बार मेरे साथ शूज़ के लिए होता है कि फिट नहीं आते मुझे, और फुटवेयर लेने से मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ क्योंकि अगर वो फिट नहीं आए तो फिर काम मुश्किल हो जाता है. पर शूज़ का ये है कि थोड़ा लूज़ होगा तो चलेगा, टाइट नहीं, लूज़ चलेगा. पर अगर कोई अदर सैंडल्स हैं या कुछ ऐसे हैं वो लूज़ नहीं चलते हैं. सो या ये अच्छे दिख रहे हैं काफ़ी. और यस, लेदर है ये. और ओके, तो ये थे $110 के और मुझे 50% ऑफ पे मिले हैं, अराउंड 54 के, या 54 आफ्टर टैक्स 60 समथिंग के. एंड फ्री शिपिंग, ये ब्लैक फ्राइडे पे शिपिंग फ्री थी. और आपको दुआ करते हैं कि ये मुझ पे फिट आ जाए, ओके. अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरे शू का साइज कितना है, बहुत बड़ा पैर है मेरा. हिम्मत, मम्मा ने शू साइज किया. ओके, हिम्मत को पता है मेरा शू साइज 10 है और हिम्मत के डैडी को नहीं पता है. ओके, आपके पैर का साइज कितना है? 6-7 होगा. और मेरे पैर का साइज इतना ज्यादा बड़ा है कि जब मैं इंडिया शूज लेने जाती थी या कोई भी चप्पल वप्पल, तो वो दुकानदार मेरे शूज के साइज पे हंसते थे कि ओ तेरी इतने बड़े पैर, और वो कहते थे कि तुम्हारे पैर और बड़े हो जाएंगे और एक दिन ऐसे आएगा कि तुम्हें शूज ही नहीं मिलेंगे और तुम्हें ऑर्डर दे के बनवाने पड़ेंगे. कितना तो बुरे होते हैं ना दुकानदार, डराई देते हैं. ओके, सो शूज फिट आ गए. माय गॉड, आई लाइक इट. या जो मुझे चाहिए था वैसे ही है, नीचे से फिट है. एंड शुड गो जस्ट अ मोमेंट गाइस. दोस्तों, तो ये है अगला सीन. इसमें हम हैं गेस्ट रूम में, जिसकी हालत कुछ खराब इसलिए है क्योंकि पता नहीं शायद हस्बैंड ने की होगी. मैं कपड़ों को अरेंज कर रही थी तो बहुत सारे कपड़े यहाँ पे थे जिसको मैंने ऑलरेडी संभाल लिया है. बेडिंग को कर देते ताकि ये रूम देखने में थोड़ा अच्छा लगना शुरू हो जाए. और जो मैंने जो मैंने कुछ चीजें ब्लैक फ्राइडे पे ली हैं जो ऑलरेडी घर में आ चुकी हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको भी ऊपर ले आया जाए. ओके, ये है गरीब पिलो जो मजेदार नहीं है. इनको क्या करना है देखेंगे. सो
सो इतना सा एफर्ट करने के बाद रूम थोड़ा ठीक लग रहा है. अब इसे वैसे छोड़ते हैं, देखते हैं कितने दिन के बचता है. और अब मैं शुरू करूंगी आपके साथ नन्ही सी हॉल जो मैं लेके आई हूँ. सो सबसे पहली चीज है ये स्टीमर जो कि ब्रांड है कॉर्नियर से. और बहुत समय से मैं स्टीमर लेना चाहती थी कपड़ों को स्टीम करने के लिए, क्योंकि जब मैं आयरन करती हूँ तो मैं थक जाती हूँ यार, फोल्ड होके ऐसे करते करते मेरी कमर में दर्द हो जाता. तो मुझे लगा कि इतना ज़्यादा कोई क्रिस्पी क्लीन आयरन तो करने की ज़रूरत होती नहीं कपड़ों को, थोड़ा सा स्टीम करो तो अच्छा हो जाता है. तो ये मुझे चाहिए था हैंडी कि जब मुझे कोई इंडियन आउटफिट पहनना हो या जब भी मुझे क्रीजेस निकालनी है तो जल्दी से ऐसे ऐसे करो. सो ये लिया है मैंने. नॉर्मली ये आपको $100 में मिलता है पर मुझे ब्लैक फ्राइडे पे आई थिंक $39 में मिला और मैंने इसको यूज़ किया. ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ है. सो ऐसे नहीं करना है, आपका मुंह आयरन हो जाएगा. सो मैंने कई सारी चीज़ों पर टेस्ट किया और ये बहुत अच्छा काम करता है मैन. सिर्फ नॉर्मली क्रीजेस नहीं निकालता है, अच्छा है. मुझे लगता है इसे मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करूँगी. मेरे कपड़ों को तो मैं ज़्यादा आयरन करती हूँ पर हस्बैंड की शर्ट्स को करती हूँ, क्योंकि अगर मैं उसे निकालना भूल जाऊँ ड्रायर से तो इतने गंदी तरह वो क्रीजेज हो जाती हैं उस पर कि मेरा एक और टास्क बहुत बड़ा बढ़ जाता है, जो यूजली मेरे साथ हो जाता है क्योंकि मल्टीटास्क करती हूँ तो मैं मोस्टली भूल ही जाती हूँ कि ड्रायर में कुछ है. सो ये उस काम के लिए काम आएगा. सो ये लिया है मैंने. और एक अगली चीज मैंने ली है फेशियल स्टीमर. ये मैंने लिया है Amazon से और ये भी सस्ता मिला मुझे. अब मुझे प्राइस याद नहीं है इसका पर ये बहुत बहुत मज़ेदार है. और यहाँ से आप इसको खोल के पानी डाल के फेस को स्टीम करें, क्योंकि जब आप अपने फेस को स्टीम करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा क्लीन होता है. और जब आपके पोर्स क्लीन हो जाते हैं तो उनकी विजिबिलिटी थोड़ी कम होती है, कम दिखते हैं कि यार बहुत सारे पोर्स हैं. तो ये उसके लिए है, मैं भी यूज़ कर रही हूँ, हस्बैंड भी कर रहे हैं. सो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे. लेट्स गो विद हिम. आई होप यू गाइस कैन सी मी. मैंने मोस्टली बुड्ढा वाली चीज़ें ली हैं. एक मैंने लिया है ये हीटिंग पैड जिसको आप अपने ऊपर रखें, गर्म रहेगा. ज्यादातर मेरी हड्डियों में दर्द रहता है, कभी आर्म में, कभी लेग्स में, कभी नीज में, कभी शोल्डर्स में. तो जब मैं गर्म पानी की बोतल यूज करती हूँ तो मुझे बहुत मजेदार फील होता है. सो मैं जब गर्म पानी की बोतल यूज करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है पर वो ठंडी हो जाती है देन. और मैंने सोचा कि इसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं ताकि मुझे अच्छा फील हो. सो इससे मुझे काफी ज्यादा रिलीफ मिला है. जब भी मेरी कोई पार्ट मुझे स्टिफ फील होता है, लाइक जब मैं एक ही तरफ काफी देर बैठती हूँ तो वो जगह जाम हो जाती है, नम हो जाती है, स्टिफ हो जाती है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हीट की वजह से ठीक हो जाती है. इसलिए मैंने ये लिया है और इससे मैं काफी ज्यादा इंजॉय कर रही हूँ और मेरे साथ हिम्मत भी काफी इंजॉय करता है. जब रात को मैं इसे अपनी बैक पे रखती हूँ या कहीं पे भी, वो थोड़ा सा वो भी एडजस्ट हो जाता है कोने में और कई बार अपनी तरफ ज्यादा खींच लेता है. तो ये है बहुत लंबी स्टोरी मेरी हॉल की हीटिंग पैड स्टीमर बोल रहे. ओके देन मैंने ली है ये बहुत ही भारी भरकम ब्लैंकेट जो कि बहुत भारी है. इसको बोलते हैं वेटेड ब्लैंकेट. ये मैंने इसलिए ली है क्योंकि मुझे अच्छी नींद नहीं आई. आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सुनने के लिए मिलेंगी, आई एम वेरी सॉरी, पर मैं चाहती थी आपके साथ शेयर करना क्योंकि आउट देयर बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो मेरे जैसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं. ये जो नन्नी मन्नी सी चीजें हैं मुझे हेल्प करती हैं लाइफ को नॉर्मल ढंग से जीने के लिए और थोड़ा रिलीफ देती हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं. सो मुझे काइंडा इनसोमनिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है हेयर देयर समवेयर कि मुझे रात को अच्छी नींद नहीं आती और बहुत बार होता है कि सारी रात मेरी आंखें काफी अवेक रहती हैं. तो ये जो वेटेड ब्लैंकेट है ये काफी ज्यादा रिलीफ देती है. ये काफी हैवी है, जब आप अपने ऊपर लेते हैं तो ऐसे फील होता है कि आप बहुत कंफर्ट हैं और आपको बहुत सेफ फील होता है. आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं गूगल पे कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं और कैसी फीलिंग्स होती हैं. और या इसने मुझे काफी हेल्प किया. आजकल मैं यूज नहीं कर रही हूँ इसे क्योंकि आजकल मैं थोड़ा सो रही हूँ, पर जिस दिन मुझे नींद नहीं आती है और मैं बहुत अजीब अजीब फील करती रहती हूँ तो फिर ये मुझे हेल्प करती है. और काइंड ऑफ बॉडी पे हैवी वेट होने की वजह से बॉडी प्रेस हो जाती है और रिलीफ मिलता है यार. सो ये लिया है मैंने. लाइक बहुत ही काम वाली चीजें ली हैं मैंने, आलतू फालतू चीजें नहीं ली हैं. और जिस पे मैं अपना वेट चेक करती हूँ सुबह शाम वो खराब होगी. वेट करने वाली मशीन वो भी ली है मैंने. दिखाऊं आपको इससे क्या रहता है. इससे क्या होता है कि आप का वेट कंट्रोल में रहता है. आपको पता रहता है कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, आप कितने हैवी हैं, कितने आप हल्के हैं. सो पता नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है पर मुझे मजा आता है अपना वेट चेक करने में रोज सुबह शाम. ये मेरा रूटीन है. और मेरी जो पुरानी वाली थी वो खराब होगी तो ये भी नहीं लिया मैंने. सो यस मैंने लिया है कुछ स्किन केयर जो मुझे अभी याद नहीं है, मिक्स हो गया है कई चीजों के साथ, जो लेटर फ्यूचर में शेयर कर दूंगी. मॉर्फी का फाउंडेशन लिया है,
मॉर्फी का कंसीलर लिया है और मॉर्फी की कुछ पैलेट्स ली हैं। एक ये वाली पैलेट है जो पिंक है, और एक पैलेट ली है मैंने ये हिट द लाइट्स और जैकलिन हिल पैलेट, एंड एक मैंने ये पैलेट ली है फेयर्स बाय नेचर 3503। एंड और क्या लिया है, लिपस्टिक्स ली हैं कुछ मॉर्फी की। लाइक अब यार मैंने ना चीज़ें मिक्स कर दी, मुझे पता नहीं कौन कौन सी है, और मेनली ये पैलेट्स ली हैं मैंने। और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं इनके साथ लुक क्रिएट करने के लिए, क्योंकि मैं इसमें दो पैलेट्स में बहुत ज़्यादा पिंक कलर्स हैं, प्लम कलर है, और वो मेरे पास ऑलरेडी वो वाले कलर्स मेरे पास बिल्कुल भी नहीं थे। और जब भी मैं पिंक आई लुक क्रिएट करना चाहती थी यूजली मैं ब्लशर्स यूज़ करती थी। सो अब क्या है कि मेरे पास पैलेट है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ पिंकी बेस्ड लुक्स क्रिएट करने के लिए। सो हम लोग जल्दी ही वो टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम पे लुक्स शेयर करेंगे, शूट करेंगे आने वाले दिनों में। सो बहुत एक्साइटेड हूँ। जब भी मैं नया मेकअप लेती हूँ तो अलग सी खुशी एंड अलग सी एक एनर्जी आती है। अगर आप मेकअप के दीवाने हैं तो शायद आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। सो मुझे लगता है कि हम लोग डन हैं यहाँ से, अब हम डाउन स्टेयर जाएंगे, डिनर की तैयारी करेंगे। सो लेट्स गो। ओके दोस्तों, तो अब मैं मेरे पति की कर रही हूँ वेट, क्योंकि मुझे जाना है ब्लैक फ्राइडे की शिपिंग करने के लिए स्मॉल लैशेस की। और दूसरी चीज़ है कि हमें हमारे पासपोर्ट अप्लाई करनी है, उसके लिए मुझे फोटोकॉपीज चाहिए। जो मेरा घर में प्रिंटर है उसमें कलर्ड इंक फिनिश हो गई और उनको कलर्ड कॉपीज चाहिए। सो वो करना है मुझे। देखती हूँ कि हस्बैंड कितनी देर में आते हैं, अगर वो ज़्यादा देर लगाएंगे तो फिर मैं कॉपीज़ कराने के लिए नहीं जाऊँगी, क्योंकि अंधेरे में ड्राइव करना मुझे मज़ेदार नहीं लगता है। फिर वो कल करेंगे, या फिर मैं करूँगी वेनसडे, क्योंकि वेनसडे मुझे डॉक्टर के अपॉइंटमेंट पे भी जाना है और उस दिन मैं कर सकती हूँ ये काम। और दूसरी चीज़ है, वेनसडे मेरी डॉक्टर के अपॉइंटमेंट है और मैं नहीं चाहती उस दिन स्नो हो, क्योंकि स्नो में ड्राइव करना बड़ा काम खराब होता है, गंद ही गंद हो जाता है दोस्तों, और कल स्नो पड़ने वाली है। सो यही डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर रही थी मैं। कल मैंने एक हाईलाइटर लिया है नेक्स्ट से, ये हाईलाइटर है हाई ग्लास एल्यूमिनेटिंग पाउडर, ये मैंने लिया है रैक्सेल से, और ये नॉर्मली 15 का आता है और रैक्सेल में $7 का। सो देखते हैं, मुझे लगा कि यार ये तो मेरा हाईलाइटिंग शेड है, और मैंने झट से उठा लिया। आई थिंक आप देख पाएंगे कि ये जो शेड है ये वैसे बहुत ज़्यादा क्रीमी एंड बहुत सॉफ्ट है, और देखिए ये हमारी स्किन पे कितना अच्छा लगेगा, ब्राउन स्किन पे। और इसका नाम है मून ग्लो। आज मैंने ये नहीं लगा के रखा, आज मैंने लगाया है मेरा फेवरेट मास्टर क्रोम, और ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे। ओके, ये भी मैंने ब्लैक फ्राइडे सेल में लिया है। सच अ बार्गेन। मशीन अपनी जिंगो बेल जिंगो बेल जिंगो ऑल द वे, जिंगो बेल जिंगो बेल जिंगो ऑल द वे। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये क्या ये बंदा इधर ही पड़ा दिखता है मुझे, ये है मेरे पति, और ये आपको इस महीने में बहुत सारे यहीं पे मिलेंगे, आदत डाल लें। आज बेचारे पति की ये शोल्डर में पेन है, क्योंकि वो उसी तरफ शायद सोए होंगे सारी रात, बैड पोस्चर की वजह से। सो या उनके मालिश करते हैं थोड़ी देर में, पर उनको चाय पिलाने वाले हैं सबसे पहले हम। और आज तो डिनर से पर था मिलना, तो डपर था बनना। मैं कहना जेनिया शेया लेके आ, शेया कड़िया शेया पर था ले आ, चा ले आ। To my head, I wanna play it, I wanna.
चुका है, अभी काफी सारे काम बाकी हैं और आज मैं जल्दी सोने वाली नहीं हूँ क्योंकि मुझे वीडियो एडिट करनी शुरू करनी है। एडिट करना अब शुरू करूंगी, सुबह अपलोड करूंगी। अब मुझे प्लीज बताना कि आप कौन से समय में वीडियोस देखते हैं, कि मैं सुबह अपलोड करूं? लेकिन अगर मेरी सुबह होगी तो आपकी रात होगी, अगर मेरी रात होगी तो आपकी सुबह, लाइक आप कहाँ पे रहते हैं और कौन से समय आपको वीडियो देखना अच्छा लगेगा? क्योंकि मेरे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है कि मैं एडिटिंग रात को शुरू करूँ, देर तक करती रहूँ, जब भी मुझे नींद आ जाए सो जाऊँ एंड देन सुबह अपलोड करूँ। अगर ऐसे करेंगे तो फिर मुझे आप बताना कि आप कौन से समय यूट्यूब वीडियोज़ देखते हैं और आप कौन से समय देखना चाहते हैं, और वो काम करूँगी। हस्बैंड के लिए लंच बनाना है और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बनाऊँ क्योंकि कुछ भी नहीं है। बैंगन भरता है, जो बैंगन पड़ था उसे कैसे हस्बैंड को सेंड करेंगे क्योंकि वो रोटी तो लेके जाते नहीं, रोटी खाते नहीं, वो रोटी एक ही टाइम खाते दिन। सो देखते हैं क्या करना है। पर मरने पर तेरा नीनी टाइम है बुड्ढो, बट आई वांट यू टू स्लीप। No, माने मम्मी नीड टू वर्क, प्लीज यू स्लीप। वर्क मींस आई कैन स्टे। माने फिर तुझे नीनी करूंगा तो फिर स्टार्टेड आउट अ डे। पर उधर तेरा नेक्स्ट स्कूल नहीं सी ना, कल स्कूल आ प्लीज। अच्छा माने, आई विल बी बैक क्विकली, आई प्रॉमिस, लेट्स गो। एंड 1 मिनट। या आई विल बी बैक इन 1 मिनट, लेट्स गो। लेट्स गो, लेट्स गो। लेट्स गो। Have you filled my head recently? I've been thinking about your smiling hair instead of focusing. Good night. Ja, darj band kar. I need to work. Darj band karo. Hey, main sone ke liye ja raha aur main ja raha hu niche video ko edit karne ke liye, dekhti hu kitne ghante spend karungi aur 10:30 ho chuke already. इस वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, आपको मिलेंगी कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूले दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर, स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग, यू गाइस कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन, दैट्स इट, इजी बीजी लेमन स्क्वीजी। बाय, आई लव यू। Tradition we celebrate.